फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीमा और मैं स्वागत करती हूँ आपको मेरे चैनल पे। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ छोटे बच्चों के बारे में। भाई अभी मेरे पास ना एक कमेंट आया था कुछ दिन पहले, उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैम मेरे बच्चे का नर्सरी एडमिशन होने वाला है तो मुझे उसे क्या क्या चीज़ें पहले से समझानी चाहिए और क्या क्या चीज़ें उसे पहले से सिखानी चाहिए। तो मैं भी आपसे बात करने वाली हूँ कि अगर आपके बच्चे का नेक्स्ट सेशन में, अप्रैल सेशन में होने वाला है नर्सरी में एडमिशन, या आप अपने बच्चे को अब धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करवाने वाले हैं तो आपको किन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए और किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। अपने दिमाग में हमेशा ये बात क्लियर रखिए कि जो राइटिंग वर्क है ना बच्चे का, जो मुझे 1-2 लिखना सिखाना है वो मैं उसे सिखाऊंगी सबसे लास्ट में। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें बोलना सिखाना है बच्चे को, चाहे वो 1-2 हो, चाहे वो ABCD हो। बहुत ही धीरे धीरे आप बच्चे के साथ बोलिए 1 2 3। बहुत जल्दी जल्दी स्पीड में नहीं बोलना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे बच्चे को नहीं पढ़ाना है, हमें धीरे धीरे पढ़ाइए बच्चे को। ओरल पे सबसे पहले फोकस कीजिए, सबसे पहले बच्चे को बोलना सिखाइए। जब बच्चे को बोलना आ जाएगा उसके बाद हम आते हैं रिकॉग्नाइज करने पे, मतलब बच्चे को पहचानना सिखाइए कि A क्या होता है, B क्या होता है। देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अगर मैं आपको बोलती हूँ शाहरुख खान, मतलब मैंने आपको 10 फोटोज दी हैं उसमें से बोला है शाहरुख खान की फोटो मुझे बताओ कौन सी है। जब तक मेरे दिमाग में शाहरुख खान की फोटो क्लियर नहीं होगी मैं आपको नहीं बता पाऊंगी कि कौन सी फोटो जो है वो शाहरुख खान की है। पर अगर मैं आपको कोई ऐसे हॉलीवुड एक्टर का नाम बोल दूं या साउथ के एक्टर का ऐसा नाम बोल दूं जिन्हें मैंने कभी देखा ही नहीं है, तो मेरे दिमाग में ना तो उनकी कभी पिक्चर क्लियर होगी ना मैं कभी आपको बता पाऊंगी कि एक्चुअली वो हैं कौन। तो ऐसा ही होता है बच्चे के साथ। अगर बच्चे को पता नहीं है ना कि ए की पिक्चर अगर उसके दिमाग में क्लियर नहीं है ना तो वो कभी नहीं लिख पाएगा। तीसरी चीज, भाई बच्चे को लिखना स्टार्ट कराने से पहले ना उसकी वोकैबुलरी इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए। मतलब जो भी आपके घर में सामान है, फ्रिज, बेड, पिलो, कैमरा, जो भी आपके घर में सामान है ना वो उसे बताइए। और बताते वक्त एक बात का ध्यान हमेशा रखिए, उसे बोलिए C फॉर कैमरा, B फॉर बेड। इससे क्या होता है ना, इससे जब बच्चा अल्फाबेट पढ़ना स्टार्ट करेगा ना, A अगर उसको पता है A फॉर एप्पल होता है तो वो खुद ही बता देगा मम्मी A फॉर एप्पल। इससे क्या होता है, इससे बच्चे का इंटरेस्ट जो है ना वो बढ़ता रहता है धीरे धीरे, और मम्मी लोग भी उसे अप्रिशिएट करती है कि अरे वाह बेटा तुम्हें तो पता है। इससे बच्चा और ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। पर अगर मेरे को पता ही नहीं होगा बच्चे को कि भाई ये B फॉर बैड होता है या C फॉर कैमरा होता है, तो वो ना तो कभी बता पाएगा और जब आप उसे पढ़ाएंगे तो आप उसे डांटते रहेंगे। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि बच्चे की वोकैबुलरी धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। घर में इतनी सारी चीज़ें होती है कि अगर उसको 10 आप रोज़ बताते हैं ना उसमें से वो 5 भी अगर याद रख पा रहा है तो समझ लीजिए कि बच्चा जब तक स्कूल जाने वाला होगा ना तब तक उसकी वोकैबुलरी बहुत इंप्रूव हो चुकी होगी। चौथी चीज़, भाई अब हमने बच्चे को ओरल भी सिखा दिया है। ओरल वो ABCD भी बोल ले रहा है, 1-2 भी बोल ले रहा है, कुछ पोएम्स भी सुना देता है, रिकॉग्नाइज भी कर लेता है, अब वो वोकैबुलरी भी इम्प्रूव कर रहा है। कोशिश कीजिए कि बच्चे को कलर्स, नेम वगैरह भी वोकैबुलरी में इन्वॉल्व कीजिए। उसे बताइए कि घर में जो भी सामान है उसका क्या कलर है। इससे भी बच्चे की वोकैबुलरी इम्प्रूव होती है। अब बात आती है लिखने की। तो चौथा पॉइंट मेरा ये है कि जब भी आप बच्चे को लिखना स्टार्ट करवाने वाले हैं ना उससे पहले उसकी पेंसिल की जो ग्रिप है उस पर काम ज़रूर कीजिए। देखिए होता क्या है ना, हम बच्चे को पतली सी पेंसिल पकड़ा देते हैं और बच्चे से वो पकड़ी नहीं जाती है, और थोड़ी देर बाद क्योंकि वो गलत तरीके से पकड़ रहा है उसके हाथ में दर्द होने लगता है, वो गंदा गंदा लिखने लगता है और मम्मी से डांट खाने लगता है। तो हमें क्या करना है, हमें बच्चे की पेंसिल ग्रिपिंग पे काम करना है। अब भाई बच्चे को इतनी पतली सी पेंसिल नहीं पकड़ानी है। हम दे सकते हैं उसको या तो मोटे मोटे से जंबो कलर्स, या अगर आपको कलर्स नहीं मिल रहे हैं तो आप मार्कर्स उसे दे सकते हैं। जो ये मोटे मोटे मार्कर्स होते हैं, स्केच पेन नहीं, मार्कर्स जो होते हैं ब्लैक बोर्ड पे लिखने वाले, वो आप दे सकते हैं। आपके पास अगर हो तो आप उसे जो ब्लैक बोर्ड होता है वो दे सकते हैं ताकि बच्चा उसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सके। उसमें जब लिखते हैं ना बच्चे तो हम मम्मी लोग की ना आदत होती है कि उसमें हम कोई बाउंडेशन नहीं लगाते, पर जब कॉपी में बच्चा लिख रहा है तो मम्मी को चाहिए बिल्कुल परफेक्ट ABCD। तो जब बच्चा लिखना सीख रहा हो ना तो उसके लिए एक ब्लैक बोर्ड ज़रूर खरीदिएगा। तो मार्कर से उससे क्या होता है ना, जब वो मार्कर से पकड़ता है धीरे धीरे हम उसे पेंसिल पे ला सकते हैं। पर अगर आप डायरेक्ट पेंसिल बच्चे को पकड़ा रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है लिखना। तो कोशिश कीजिएगा कि उसकी पेंसिल ग्रिपिंग पे ज़रूर काम करें। तो अगर हम रखते हैं ना इन 5 बातों का ध्यान तो हमारा बच्चा अच्छे से पढ़ाई भी करेगा, अच्छे से लिखना भी सीखेगा और जब उसका नर्सरी में एडमिशन हो जाएगा तो वो स्कूल जाने में डरेगा भी नहीं। तो इन 5 बातों का ध्यान जरूर रखिए। बच्चे को रिकॉग्नाइजेशन कैसे सिखाना है, बच्चे की वोकैबुलरी कैसे इंप्रूव करनी है, बच्चे की पेंसिल ग्रिपिंग पे कैसे काम करना है, इन सब के ऊपर मैं सेपरेट वीडियोस बना चुकी हूँ पहले से। अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिएगा, सबके लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बच्चे को जब आप राइटिंग वर्क स्टार्ट करें तो कैसे स्टार्ट करना है उसके ऊपर भी मैं 2 वीडियो बना चुकी हूँ, उनके लिंक भी हैं डिस्क्रिप्शन पे, तो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि बच्चे के राइटिंग जो है ना वो हमें सबसे लास्ट में स्टार्ट करवाना है। सबसे पहले हमें करना है ओरल पे काम, रिकॉग्नाइजेशन पे काम और फिर आएगा राइटिंग का नंबर। तो अगर आप अभी से स्टार्ट कर देंगे ना ये सब चीज़ें तो नर्सरी एडमिशन के टाइम पे आपको इस बात की टेंशन कभी नहीं होगी कि आपका बच्चा स्कूल में स्टडीज़ में एडजस्ट कैसे कर पाएगा। और अगर आप मेरे 5वें पॉइंट का ध्यान रखेंगे ना तो आपको इस बात की भी टेंशन नहीं होगी कि वो मैम के साथ कैसे कंफर्टेबल हो पाएगा। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर कर दीजिएगा हर उस पेरेंट्स के साथ जिनके बच्चे का एडमिशन होने वाला है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।